पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी का नाम दिति था। ऋषि और उनकी पत्नी दिति को दो पुत्र हुए जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप था। भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष से पृथ्वी की रक्षा के हेतु वराह रूप धारण कर उसका वध कर दिया था। भगवान विष्णु के द्वारा अपने भाई के वध से दुखी और क्रोधित हिरण्यकश्यप ने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए अजेय होने का संकल्प कर हजारों वर्षों तक घोर तप किया। हिरण्यकश्यप की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसे न कोई घर में मार सके न बाहर, न अस्त्र से उसका वध होगा और न शस्त्र से, न वो दिन में मरेगा न रात में, न मनुष्य से मरे न पशु से, न आकाश में और न पृथ्वी में। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यप अजेय हो गया। उसने इंद्र से युद्ध कर स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया, साथ ही सभी लोगों पर उसका राज हो गया। हिरण्यकश्यप इतना अहंकारी हो गया कि उसने अपनी प्रजा से खुद को भगवान की तरह पूजने का आदेश दिया और आदेश न मानने वाला सजा का भागीदार होता था। हिरण्यकश्यप के अत्याचार की कोई सीमा नहीं रही, उसने प्रभु भक्तों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था तो असुर, लेकिन वो अपने पिता से बिल्कुल विपरीत था। प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था, ये बात उसके पिता को पसंद नहीं थी, जिसके चलते उसने कई बार अपने पुत्र का वध करने की कोशिश की, लेकिन विष्णु भक्त होने के कारण हिरण्यकश्यप प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। भक्त प्रहलाद पर हिरण्यकश्यप के अत्याचार की जब सभी सीमाएं पार कर गईं, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। जैसे हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था वैसे ही भगवान ने उसका वध किया। भगवान नरसिंह ने दिन और रात के बीच के वक्त में आधे मनुष्य और आधे शेर का रूप धारण कर नरसिंह अवतार लिया। भगवान नरसिंह ने खंभा फाड़कर अवतार लिया और हिरण्यकश्यप को मुख्य दरवाजे के बीच अपने पैर पर लिटा दिया, शेर जैसे तेज नाखूनों से पेट फाड़कर उसका वध कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को उनका व्रत रखेगा वो सभी तरह के दुखों से दूर रहेगा।